हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुलायम यादव फ्रॉम किंडर स्पोर्ट्स एलपी एच ए एथलेटिक्स ट्रेनर। आई एम वर्किंग प्राइमरी स्कूल थॉ ब्रांच 8 भरूच गुजरात। टुडे माय टॉपिक ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में जो हम ट्रिपल जंप में नहीं अपना जो रनवे सेट करते हैं वो 40 से 45 मीटर का होता है ट्रिपल जंप में रनवे, ठीक है। उससे हमारा स्पीड जो है अच्छे से काउंट होता है, स्पीड हम अच्छे से हमको मिलता है और अच्छे से हम जंप करें। अगर हम छोटा रनवे लेंगे तो हमको स्पीड बहुत कम मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा अच्छे से स्पीड है, हम 40 से 45 मीटर तक रनवे ले रहे हैं तो हमको उसका बेनिफिट आएगा कि हम अच्छे से स्पीड से जंप आगे निकाल सकते हैं। ट्रिपल जंप का आज हम जानेंगे रनवे, टेक ऑफ, होप, स्टेप और लैंडिंग। ये जो ट्रिपल जंप का जो सबसे टेक्निक होता है ट्रिपल जंप का, उस पर आज हम इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको जो है रनवे लेना है और कैसे जो है टेक ऑफ लेना है, होप कैसे लेना है और स्टेप कैसे और लैंडिंग कैसे, ठीक है। तो हम कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, कोई भी टेक्निक करने से पहले अपने बॉडी को अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना है ताकि हमारे बॉडी में इंजरी के चांस ना हो। ट्रिपल जंप का जो हम टेक्निक करेंगे उसके लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट में मार्कर कोन होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्कर कोन रहेगा तभी हमको एक जो है मार्किंग पता चलेगा कि कैसे हम कहां से हमको जो है रनवे लेना है, कहां से हमको टेक ऑफ लेना है, कहां से हमको जो है होप और स्टेप और जो है लैंडिंग करना है, ठीक है। तो आइए हम ट्रिपल जंप का टेक्निक करते हैं, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, इसका बेनिफिट मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पांच बार अच्छे से करके मैं दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये था हमारा रनवे, टेक ऑफ, होप, स्टेप, लैंडिंग, ठीक है। इस टेक्निक से आपको ट्रिपल जंप जो है जंप करना पड़ता है। अगर आप जो है रनवे में आपको बैलेंस रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है और जो है जब आप होप लेंगे, होप में भी आपको बैलेंस आपका होना चाहिए और स्टेप में तो होना चाहिए और लैंडिंग में आपका जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है जंप कर पाएंगे। ये चार पांच चीज़ों पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, अच्छे से आपको टेक्निक सेट करनी पड़ेगी। आप अपने माइंड को अच्छे से सेट करके आप रनवे लीजिए। इसके बाद जो है रनवे के बाद आपका जो आता है वो है होप आएगा, इसके बाद स्टेप आएगा और लैंडिंग आएगा, ठीक है। टेक ऑफ बोर्ड आपको ध्यान में रखना है, टेक ऑफ बोर्ड आपको अच्छे से देखना है कि टेक ऑफ बोर्ड हमारा जो है अच्छे से माइंड में सेट करना है कि हमको यहाँ से जो है जंप लेना है, हमको यहाँ से टेक ऑफ लेना है। अगर आप टेक ऑफ बोर्ड अच्छे से अपने दिमाग में माइंड में नहीं सेट करेंगे तो आपका जंप जो है फाउल हो सकता है, इसलिए टेक ऑफ को अच्छे से आप अपने दिमाग में लीजिए कि टेक ऑफ को हमको जो है चढ़ना है, अच्छे से हमको जो है होप लेना है, अच्छे से हमको टेक ऑफ लेके और अच्छे से हमको लैंडिंग करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिपल जंप का टेक्निक वीडियो। आपका जो लेग स्ट्रॉन्ग रहता है उसी पर आप होप लीजिए और लैंडिंग करना है आपको, ठीक है। अगर जो लेग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो अगर आप जो लेग आपका जो है वीक है, दूसरा लेग अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका जंप गलत हो जाएगा, आपका जंप अच्छा नहीं जाएगा। जो आप परफॉर्मेंस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो नहीं होगा, आपको होप में यूज करना है और लैंडिंग।
ये था हमारा जो है ट्रिपल जंप का वीडियो, और हम टेक्निक करने के बाद और कोई भी एक्टिविटी करने के बाद हमको कूलिंग डाउन की ज़रूरत पड़ता है, ताकि हमारे बॉडी में जो रिकवरी होता है वो कूलिंग डाउन से सबसे बेस्ट होता है। तो कूलिंग डाउन आपको करना रहता है। थैंक यू।